नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। डॉक्टर्स एक तरफ जहां हमारे देश में ईश्वर के स्वरूप में पूजे जाते हैं, वहीं एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बता दें कि पूरा मामला गुरुग्राम का है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 12 में एक सिवा हॉस्पिटल है, वहीं पर एक साल पहले एक मरीज की ऑपरेशन हुई थी। ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में रुई और कुछ मेटल के धातु छोड़ने का मामला आ रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब मरीज के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। तो उसने एक स्थानीय अस्पताल में चेक कराया। चेक कराने के दौरान उसे पता चला, डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन करवाया। जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो सभी देखकर दंग रह गए। दरअसल रिपोर्ट में साफ तौर पर दिख रहा है कि मरीज के पेट में रुई और कुछ मेटल की अन्य धातुएं मौजूद हैं। इसको लेकर पीड़ित परिवार स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ शिकायत भी कर रहा था पिछले एक साल से, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने पुलिस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस एक साल बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अब जाकर मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि पीड़ित परिवार, जिनका नाम दिवास राय बताया जा रहा है, वह मूल रूप से दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। वह यहाँ पे सिकंदरपुर में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम स्वास्तिका राय बताया जा रहा है। ठीक एक साल पहले अप्रैल 2020 में उन्होंने अपनी पत्नी का टेस्ट एक निजी अस्पताल में करवाया था, जहां पर उन्हें यह पता चला कि उनकी पत्नी गर्भवती है। तब तक पिछले साल कोरोना की महामारी भी थी, जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। और उन्होंने यह भी बताया, दिवास राय ने, कि उनकी लॉकडाउन की वजह से नौकरी चली गई और आर्थिक तंगी की वजह से वो निजी हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को नहीं दिखा पा रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को एक सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पर उन्हें तो पैसे नहीं देने पड़ते थे और जो दवाएं होती थी वह एक नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र से मिल जाया करती थी। वहां पर उनकी जान पहचान एक आंगनवाड़ी वर्कर संतोष से हुआ। शुरू में तो संतोष ने यह बताया कि इनकी पत्नी का नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन कुछ समय जैसे बीते, बाद में पता चला संतोष के माध्यम से कि उनकी पत्नी का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा। और संतोष के कहने पर ही उन्होंने सेक्टर 12 शिवा हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को एडमिट कराया। 16 नवंबर 2020 को उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। जन्म देने के दौरान तो सब कुछ ठीक था, लेकिन डिलीवरी के कुछ समय बाद ही उनके पेट में धीरे धीरे दर्द होने लगा। फिर उन्होंने पुनः शिवा हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने दर्द की दवा देकर उन्हें वहाँ से रफा दफा कर दिया, लेकिन यह दर्द कम नहीं हुआ। फिर उन्होंने पास कहीं एक दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, जहां पर पथरी होने की शिकायत भी डॉक्टरों ने बताई, लेकिन उसके बावजूद भी दर्द कम नहीं हुआ। फिर जब इन्हें उस डॉक्टर से तसल्ली नहीं हुई तो फिर उन्होंने एक दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनका सीटी स्कैन किया और सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट आई उसे देखकर परिवार वाले दंग रह गए। दरअसल सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि पेट में रुई और कुछ मेटल की अन्य धातुएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से पेट में सूजन भी आ गया है और जिसकी वजह से पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो पूरी तरीके से लाल हो चुका था। जब इस संदर्भ में पूरा परिवार शिवाजी हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर वो स्वास्थ्य विभाग के पास गए और इस संदर्भ में उन्होंने शिकायत की, और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पूरी तरीके से झलक रही है। उन्होंने शिकायत एडमिट करने के बजाय उन्होंने धोखाधड़ी से उनकी पत्नी का ऑपरेशन भी कर दिया और उन्होंने कुछ फर्जी दस्तावेजों पर साइन भी करवा लिए थे। फिर जो पीड़ित परिवार था फिर पुलिस विभाग के पास गया और उन्होंने सेक्टर 14 थाना में इसका मुकदमा भी दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि यह घटना एक साल पहले की है और पुलिस अब संज्ञान ले रही है। इस पर साफ तौर पर पुलिस की भी लापरवाही झलकती है। बता दें कि हमारे देश में डॉक्टरों को एक ईश्वर के रूप में पूजा जाता है और डॉक्टरों द्वारा इस तरह की लापरवाही एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इससे मरीज की जान भी जा सकती थी। हालांकि अभी मरीज की हालत स्थिर है, ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। आखिर स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर मौन क्यों है? क्या लोगों की ज़िंदगी की कीमत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? इस वीडियो के संदर्भ में हमारे व्यूवर्स के क्या राय हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।